हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल यार आलू का डेली क्लासेस में। बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। 6 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, है ना। इससे जस्ट पहले हमने न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा था, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप जाके देख लो वीडियो, उसके बाद ही आप नए लेक्चर पर आना, तो आपको मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल यार आलू का डेली क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज जो लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले जनरली लिफ्ट के बारे में, लिफ्ट कॉन्सेप्ट, है ना। लिफ्ट प्रॉब्लम लिख लीजिए, लिफ्ट कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, है ना। ये लेक्चर 7 होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर जैसे मान लेते हैं, तुम जैसे मान लो वेटिंग मशीन पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो? वेटिंग मशीन पे। अच्छा एक बात बताओ, वेटिंग मशीन क्या नापता है? वेटिंग मशीन वेट नापेगा या तुम्हारा मास नाप के देता है? तो देखो, वेटिंग मशीन पे दिखाता तुम्हारा मास ही है, लेकिन नाम है इसका वेटिंग मशीन, मतलब नापता वेट ही है। क्या नापता है? वेट नापता है। नाप दिखाता तुम्हारा मास है। जनरली क्या करता है, वेट तुम्हारा कितना होता है? वेट होता है mg के बराबर। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना है जी, तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम सोचो पड़ जाओगे कि वेट वेट कितना होगा मेरा, है ना। वेट क्या, कैसे बोलोगे तुम वेट को? तो क्या करो, अपना मास देख लो। जैसे मान लो तुम 50 kg को, तो 50 को 10 से गुना कर दो। 10 का मतलब यह है कि जी, जी का जो रियल मान होता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, वो होता है 9.8 m/s². तो 9.8 से गुना करोगे तो एक्यूरेट मिल जाएगा। अगर आप अप्रोक्स 10 से गुना कर दो तो अप्रोक्स आपका वेट निकल के आ जाएगा। जैसे आप 50 kg के हो तो 500 न्यूटन। 500 न्यूटन ये बता रहा है कि तुम उतने फोर्स से पृथ्वी को धक्का दे रहे हो, दबा रहे हो पृथ्वी को। कितने फोर्स से? 500 न्यूटन से। अगर तुम्हारा वेट, अगर तुम्हारा मास 50 kg है, तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो अगर हम तुमको हम ये बोल दे कि वेटिंग मशीन पे तुम खड़े हो, है ना, वेटिंग मशीन पे अगर मान लेते हैं तुम खड़े हो, तो आप इस, आपको क्या करेगा, आपको जो है ना, देखो तुम अगर वेटिंग मशीन पे खड़े हो तो तुमको तुम्हारा क्रम एबीडी देखिए, तो पृथ्वी तुमको किधर खींच रही है? नीचे खींच रही है पृथ्वी तुमको, इधर खींच रही है। हम तुम्हारा एबीडी बना रहे हैं, है ना, एबीडी ऑफ मैन, है ना, एबीडी ऑफ मैन। और वेटिंग मशीन तुमको किधर धक्का दे रही है? ऊपर की तरफ पुश कर रही है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है, यही नॉर्मल ये नाप लेता है। तो आपको जो नाप के देता है वो mg नाप के देता है। क्या नाप के देता है? mg नाप के देता है। और यही नॉर्मल किसके इक्वल हो जाता है? mg के इक्वल हो जाता है। इसी mg को हम क्या कहते हैं? वेट कह देते हैं। इसी mg को हम क्या कहते हैं? वेट कह देते हैं, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में? चलिए, तो आपसे कोई पूछे कि वेटिंग मशीन क्या नापता है, तो वेट नापता है। क्या नापता है? वेट नापता है। आ रहा बात समझ में? वेट का मान कितना होता है? mg के बराबर। m क्या होता है? तुम्हारा मास। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान होता है 9.8 m/s². बात खत्म। चलिए एक बात और, कि अगर मान लेते हैं दिखाता तो मास है, तो क्या करता है कि जब वो कैलकुलेट करके वैल्यू नाप लेता है, mg नाप लेता है, उसके बाद वो स्क्रीन पर जब शो करेगा तो कैलकुलेटर फिक्स होता है। वो कैलकुलेटर क्या करता है? जी से भागा देता है mg को। तो जैसे ही जी से भागा देगा, m आ जाएगा स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे दिखाएगा तो मास ही तुम्हारा, लेकिन नापता वेट है। आ रहा बात समझ में? चलिए, तो ऐसे तुम्हारा नॉर्मल इसके इक्वल हो गया, यहाँ पे mg के इक्वल हो गया है। लेकिन ये तो ये तब बात थी जब तुम रेस्ट में थे, जब तुम रेस्ट में थे। मान लेते हैं केस 1 में, है ना, बॉडी इज इन रेस्ट, या मैन मैन इज इन रेस्ट। अगर मैन रेस्ट में था, तब रेस्ट में था वो, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम क्या करते हैं? मूविंग करते हैं। अब समझिए, अब केस बिगड़ेगा, अब खेल बिगड़ेगा। देखिए, अब मैं क्या करूं, तुमको लिफ्ट के अंदर बंद कर दूं, ठीक। अब समझना, केस 2, अब मैं तुमको लिफ्ट के अंदर बंद करने वाला हूं, ठीक है। ये आपका लिफ्ट हो गया, ये आपका लिफ्ट हो गया, ठीक। लिफ्ट के अंदर मशीन रखी हुई है, ये मशीन हो गई वेटिंग मशीन, WM लिख देता हूं इसको, ठीक है। इस पे तुम खड़े हो, और लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। समझ लो, अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो क्या तुम ऊपर नहीं जा रहे हो? बिल्कुल, तुम भी ऊपर जा रहे हो एक्सेलरेशन से। अब तुम स्टेशनरी नहीं रहे, अब तुम चल रहे हो। ऐसा हो सकता है ना, जिस मान लो तुम बस के ऊपर बैठ गए, तो तुम थोड़ा ना भाग रहे हो, बस भाग रही है, लेकिन तुम्हारे पास भी वो काइनेटिक एनर्जी है जो बस के पास काइनेटिक एनर्जी है। जनरली बस की अगर स्पीड देखे ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि बस का मास ज्यादा हो जाएगा। तुम बस की जितनी वेलोसिटी है, तुम्हारी वेलोसिटी भी उतनी ही है। बस अगर 80 m/s से जा रहा है, तुम भी 80 m/s से जा रहे हो, क्योंकि सामने से कुछ देख रहा होगा, रोड पर से खड़ा होगा, कोई देख रहा होगा, उसको तो यही लगेगा जी, है ना। तो जरूरी नहीं कि तुम चलो तो ही तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किसी अदर कंपोनेंट के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा भी आ सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो अब हम आपको अपना, आपको क्या करते हैं, आप अपना एबीडी बनाइए, ठीक है। चलिए, आपका आपका एबीडी बनाते हैं,
आपका एवरेज बनाते हैं, नीचे तो एमजी लगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, ऊपर क्या लगा होगा, नॉर्मल। क्यों लगाया ये, तो वेटिंग मशीन तुमको ऊपर की तरफ दबाया है तो ये नॉर्मल आएगा। तुम पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा रहे, तुम्हारा एबीडी बनाया जा रहा है, ये बात समझ में आ जाना आना चाहिए। तुम्हारा एबीडी है ना, ना कि वेटिंग मशीन का एबीडी, ना कि लिफ्ट का एबीडी, तुम्हारा एबीडी। ठीक है, तो तुम पे वेटिंग मशीन ऊपर की तरफ फोर्स लगाया नॉर्मल, नीचे तुमको खींचा एमजी से, तुम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो। लिख सकते हैं अपन एफ नेट बराबर एमए, क्योंकि तुम चल रहे हो इसलिए एफ नेट बराबर एमए। ऊपर का फोर्स ज्यादा लिखेंगे क्योंकि ऊपर जा रहे हो, तो लिखेंगे एन माइनस एमजी बराबर एमए, एन माइनस एमजी बराबर एमए। और यहां से एन क्या आ जाएगा जी, एमजी प्लस एमए। अब ये क्या हुआ, जब तुम रुके हुए थे तब तो तुम्हारा वेट एमजी था, अब ये एमजी प्लस एमए नाप रहा है। एमए तो एक्स्ट्रा नाप लिया जी, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, ये तो एक्स्ट्रा वेट आ गया, ये तो एक्स्ट्रा वेट आ गया जी। तुम्हारा तो अपना वेट एमजी था, ये एक्स्ट्रा नाप लिया। एक्स्ट्रा नापने का मतलब तुमको भारी लगने लगेगा जब तुम ऊपर जा रहे हो, तो तुमको ऐसा लगेगा, अनुभव होगा कि हम भारी हो गए हैं, है ना, ऐसा लगेगा तुमको। ठीक है, तो यू हम बोल सकते हैं कि आपका जो है ना थोड़ा सा जो वेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना, वेट विल इंक्रीज। यहाँ पे वेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, हम बोल सकते हैं वेट विल इंक्रीज। तो जब भी कोई चीज ऊपर जाती है उस पर तुम अगर बैठे हुए हो तो तुमको अगर बहुत स्पीड में ऊपर जाएगी, है ना, तो तुमको लगेगा कि मेरा वेट बढ़ गया है। ठीक है, हाँ धीरे धीरे जाएगी तो एहसास नहीं होगा, बहुत कम एहसास होगा, लेकिन अगर स्पीड में जा रही है ना, एक्सेलरेशन अगर उसके पास है अच्छा खासा, तो हम बोल सकते हैं कि आपको लगेगा कि वेट आपका इंक्रीज हो गया है। केस थ्री पे आते हैं, केस थ्री आप और समय में आ गए। केस थ्री की कहानी क्या है, सब कुछ वही कहानी है, बस कहानी थोड़ी सी बदल रही है ना, बस कहानी थोड़ी सी बदल रही है केस थ्री की। केस थ्री की कहानी बस ये है कि लिफ्ट को मैं नीचे ले आता हूँ ए एक्सेलरेशन से। अब समझिए, अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो फिर से अगर हम आपका एबीडी देखे तो बात तो वही है जी, बात तो वही है कि ऊपर तो नॉर्मल लग ही रहा होगा, कौन ये मशीन लगाया होगा वेटिंग मशीन, नीचे कौन, तो नीचे एमजी वो तो लगता ही है, लेकिन इस पर तुम नीचे गिर रहे हो या नीचे आ रहे हो। तो फिर से लिखेंगे कि एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट बराबर एम ए, नीचे का फोर्स ज्यादा तो लिखेंगे एमजी माइनस एन बराबर एम ए। तो यहां से एन को इधर ले आइए, तो हम लिख सकते हैं एन बराबर एमजी माइनस एम ए, एन बराबर हो जाएगा एमजी माइनस एम ए। इस बार तुम्हारा जब तुम रेस्ट में थे, जब तुम रुके हुए थे केस वन देखो, तो उस समय तुम्हारा वेट कितना था, एमजी के बराबर। अभी एम ए घट गया, ऊपर जाते समय एम ए बढ़ा था। एम किसका, तुम्हारा मास, ए किसका, लिफ्ट का एक्सेलरेशन। समझ रहे हो बात को, भले तुम्हारा भी एक्सेलरेशन, क्योंकि लिफ्ट जा रहा था तुम भी तो जा रहा हो जी, तुम्हारा मास बोला तुम्हारा एक्सेलरेशन उतना घटा, मतलब इस बार जो एम ए है ये जो एक्स्ट्रा था वो डिक्रीज कर गया, इतना एमए, इतना तुम्हारा एमजी माइनस एमए हो गया, डिक्रीज कर गया तुम्हारा, मतलब तुम वेटलेस फील करोगे, तुमको लगेगा मेरा वेट कम हो गया है, तुम हल्का फील करोगे, है ना। यहां पे क्या होगा, वेट विल डिक्रीज, ठीक है, वेट विल डिक्रीज, आपको ऐसा लगेगा, है ना, कि वेट कम हो गया है। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ऐसे समझे अप्लाई करके, तो आप देखिए ऐसे कुछ होगा, कहानी समझिए। जब तुम किसी झूला में बैठते हो ना बाबू, झूला समझ रहे हो, झूला जो ऐसे लगी रहती है, ये बीच में ऐसे हैंडल होती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे खाने बने होते हैं अलग अलग लोगों को बैठने के लिए, ऐसे खाने बने होते हैं, मान लेते हैं ये अलग अलग खाने बने हुए हैं ऐसे। ठीक, अब समझिए, जब तुम यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, मान लो तुम यहां बैठे हुए हो, तो तुम जब यहां से यहां जा रहे हो ना जी, तो तुम यहां से यहां जाओगे तो तुम्हारा वेट बढ़ता हुआ नजर आएगा, तुमको लगेगा कि मेरा वेट बढ़ गया है ना, क्योंकि ऊपर जाते समय वेट इंक्रीज हो जाता है, तो तुमको लगेगा कि वेट इंक्रीज हो गया है। और जब नीचे आ रहे होगे तो तुमको लगेगा कि मेरा वेट कम हो गया है, वेट डिक्रीज हो जाएगा। अब ये काम दो दो सेकंड पे होगा, तो एक एक सेकंड पे होगा, मतलब ऊपर चढ़े वेट बढ़ा, नीचे गिरे वेट घट गया, ऊपर चढ़े वेट बढ़ा, नीचे गिरे वेट गिर गया, बढ़ा गिर गया, बढ़ा गिर गया, बढ़ा गिर गया, तुमको गुदगुदी होने लगेगी, तुमको तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करने लगेगी, क्या हो रहा है, चिल्लाने लगते हैं लोग, है ना, अलग अलग प्रकार के तुमको लोग मिलेंगे वहां पे, है ना, जनरली कुछ लोग तो एकदम डर रहे होते हैं लेकिन शांत बैठे रहते हैं, इंप्रेशन खराब ना हो जाए मेरा, है ना, इसलिए एकदम चिपक के बैठे रहते हैं ऐसे करके, तुम चिपक के कुछ बोलोगे ना उसको कि सुनो जी अभी शांत रहो, अभी कुछ नहीं, अभी बस बैठने दो, अभी घूमने दो, अभी कुछ लोग इतने डर जाते हैं कि चिल्लाना स्टार्ट कर देगा, और कुछ लोग तो एंजॉय करते हैं एकदम, मजा आ रहा है, कहना नहीं है, है ना।
तो यहां से यहां जब जाएंगे तो वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऊपर से नीचे आएंगे तो वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। और ये काम तुरंत तुरंत हो रहा है तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो माइंड है, वो इसको देख नहीं पाएगा, ठीक से समझ नहीं पाएगा इसको, है ना। और समझ नहीं पाएगा तो उसको आपके पेट में गुदगुदी हलचल होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये पहले से डिसाइड करके बैठे हो, एकदम आंख बंद कर लीजिए, एकदम झूले पे बैठ कर, और सोचिए कि ऊपर जाएंगे तो वेट बढ़ना है, नीचे आएंगे तो वेट गिरना है, ऊपर जाएंगे वेट बढ़ना है, नीचे आएंगे वेट गिरना है, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको डर कम लगेगा। तो ये चीजें आपको जनरली पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, केस फोर ले लें, ऐसा कि जिसमें मान लो हम एक्सेलरेशन एकदम गिरा दें, जैसे किसी फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल वैसे हम लिफ्ट को नीचे गिरा दें, समझते हो ना। लिफ्ट देखो, लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आती है, गिरना और धीरे धीरे नीचे आने में फर्क है। किसी चीज को हम रस्सी से टांग करके धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं और किसी चीज को छोड़ देंगे तो दोनों गिरेगा, लेकिन एक होगा फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी उसको जैसे खींचेगी वैसे आगे गिर गया। तो वैसे मान लेते हैं कि अगर हम ले लें केस फोर ले लें अपन, हम केस फोर में हम बोल देते हैं फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट। अगर जो लिफ्ट है अपना फ्री फॉल हो जाए एकदम फ्री फॉल, तो उस केस में आप ऐसा समझ लीजिए कि लिफ्ट के अंदर जो मशीन रखी हुई है, ठीक, लिफ्ट के अंदर जो मशीन रखी हुई है, इसका फ्री फॉल हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ जी के बराबर हो गया है। इस केस में अगर आपका एबीडी बनाया जाए तो आप समझिए कि ऊपर तो आपके नॉर्मल लगेगा, लगना चाहिए क्योंकि वेटिंग मशीन पे खड़ा है आप, नीचे क्या लगना चाहिए mg, और तुम किस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हो, जी एक्सेलरेशन से। तो अगर हम लिखें एफनेट बराबर ma, तो एफनेट का मान कितना लिखेंगे, नीचे गिर रहे हो, चलिए mg माइनस n बराबर m, और a का मान जी है यहाँ पे, तो जी बैठा देंगे। यहां से n अगर इधर जाएगा तो mg माइनस mg बराबर 0, तो नॉर्मल तो 0 आ गया। नॉर्मल 0 में तो समझ आ रहा है, नॉर्मल 0 में तो समझ आ रहा है। फ्री फॉल का मतलब अगर लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है तो तुम भी तो फ्री फॉल हो गए, तुम भी तो लिफ्ट के अंदर ही हो, तो बस तुम्हारा वेटिंग मशीन के साथ कनेक्शन रहेगा क्योंकि वेटिंग मशीन भी लिफ्ट पे रखा हुआ है, तो वेटिंग मशीन ऐसी गिरेगी तुम भी ऐसे गिरोगे, वेटिंग मशीन गिरेगी तुम भी ऐसे गिरोगे, तो बस तुम केवल वेटिंग मशीन के संपर्क में रह पाओगे, दबाव नहीं डाल पाओगे। देखो, जब हम किसी चीज को दबाएंगे तब ना दबाव वाला आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा, अब दबाओगे नहीं तो कहां से नॉर्मल फोर्स आ जाएगा जी। जैसे मान लेते हैं कि हम केवल एकदम संपर्क में रखें इसको, देखो हम इसको दबाएंगे तब नॉर्मल फोर्स आएगा, अब ऐसा संपर्क में है तो नॉर्मल फोर्स आएगा ही नहीं। ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है जी से, ये भी नीचे गिरने लगे जी से, ऐसे है ना, ऐसे एकदम सटे तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे को प्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एकदम तुम अपने आप को एकदम, कोई भी व्यक्ति गिरता है ना तो एकदम उसको अपने आप को एकदम हल्का महसूस करता है, एकदम हल्का, उसको लगता है पत्ता हो गया है मेरा शरीर, एकदम पत्ता हो गया है, तो बैलेंस नहीं कर पाता वो ठीक से, है ना। जब भी कोई व्यक्ति गिर रहा होता है तो बैलेंस नहीं कर पाता है ठीक से जी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, और अगर मान लेते हैं केस को धक्का, अगर मान लो लिफ्ट को धक्का देते तो फ्री फॉल से भी डेंजर हो जाए, फ्री फॉल से भी डेंजर, है ना, फ्री फॉल से भी डेंजर। मतलब अगर मैं ऐसे बोल दूं कि केस फाइव ले लूं, ठीक है, और ये जो अपना लिफ्ट है, लिफ्ट को एक्सेलरेशन दे दूं 2g, धकेल दूं, है ना, लिफ्ट इज पुश्ड, है ना, बिलो विथ एक्सेलरेशन टू जी, मतलब फ्री फॉल से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से, दुगने एक्सेलरेशन से आपको मैं ढकेल दूं एकदम कस के लिफ्ट के साथ, तब क्या होगा पता है, मतलब जी से ज्यादा एक्सेलरेशन अगर लग जाए तो उस केस में आप अगर देखोगे ना तो नॉर्मल फोर्स निगेटिव आने लगेगा। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे मान लेते हैं कि आपका एबीडी बनाया जाए, एबीडी बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे तो mg लग रहा होगा, तुम नीचे गिर रहे हो 2g से। अगर ध्यान से देखें तो नीचे का फोर्स ज्यादा, तो एफ्रेंट बराबर m में, एफ्रेंट का मान क्या लिखेंगे, तो mg माइनस नॉर्मल बराबर m गुना 2g, ठीक है। इस नॉर्मल को यहाँ ले जाइए तो mg माइनस 2mg बराबर नॉर्मल, तो नॉर्मल बराबर आ जाएगा माइनस mg। अब नॉर्मल माइनस में कभी आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल फोर्स कैन नॉट बी निगेटिव, नॉर्मल फोर्स कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप संपर्क में ही रहिएगा वेटिंग मशीन के, उल्टा पुल्टा आंसर दे रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा जी। देखो बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो हम तो लिफ्ट को धक्का दिए हैं 2G से, हम तो लिफ्ट को धक्का दिए ना, तुमको थोड़े धक्का दिए हैं,
तो अगर हम लिफ्ट को धक्का दिए हैं 2G से, लिफ्ट एकदम फटाक से 2G से नीचे गिरेगा, लेकिन तुम तो G से ही गिरना चाहोगे ना, तुम तो G से ही गिरना चाहोगे, तो लिफ्ट फटाक से नीचे आएगा, लेकिन तुम तो G से गिरना चाह रहे हो। मतलब समझिए आप इस कॉन्सेप्ट को, हो क्या रहा है कि लिफ्ट को हम धक्का दिए, लिफ्ट गिरना चाह रहा है 2G से, लेकिन तुम जो लिफ्ट के अंदर हो वो तो तुम G से ही गिरोगे ना नीचे, तो ज्यादा स्पीड से कौन गिर रहा है, लिफ्ट। अगर ज्यादा स्पीड से या ज्यादा एक्सेलरेशन से लिफ्ट गिर रहा है, हम बोल सकते हैं तो लिफ्ट लिफ्ट आएगा नीचे और तुम्हारे सर से आके टकरा जाएगा। तुम ऊपर जाके नहीं टकरा रहे हो, लिफ्ट नीचे आके तुम्हारे सर से टकरा जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा जी, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। अरे बात समझ में, नीचे आएगा तुम्हारे सर से टकराएगा, कौन टकराएगा, लिफ्ट, ये वाला पोर्शन आकर के तुम्हारे सर को यहाँ पे मारेगा, हेड करे है ना, यहाँ पे आके मारेगा, एक्सीडेंट। अरे बात समझ में, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता हुआ हमको एहसास होता है कि हमारा वेट बढ़ गया है, जब नीचे आते हैं तो वेट हमको घटता हुआ एहसास होता है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, लिफ्ट का ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ में आना चाहिए। आ रहा समझ में, चलिए तो छोटा सा केवल लिफ्ट का हम लोग सवाल लेके आए थे, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।